यू ऑल, वेलकम अगेन टू प्रॉफिट मार्ट। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आजकल काफ़ी बढ़ रही है और आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। इनफैक्ट हमने डिफरेंट सेक्टर्स पर इन्फ्लेशन ने कैसे अफेक्ट किया है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है प्रीवियसली, सो इफ यू हैवन चेक दैट आउट प्लीज गो एंड चेक इट। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को स्पेसिफिकली देखें तो बैंकिंग सेक्टर्स में भी काफ़ी ऑल्ट्रेशन आए हैं आफ्टर द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। बैंकिंग सेक्टर्स ने स्कीम्स और रेट्स भी काफ़ी चेंज किए हैं। लेकिन अगर हम 2023 में एक पॉसिबिलिटी देखें, एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि 2023 में बैंक के मार्जिन्स काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस कभी भी चेंज हो सकती है, सो यू नेवर नो। सो इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रॉफिट मार्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली सेंट्रल बैंक ने भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कई सारे डिसीजंस लिए थे टू टैकल इट, और इसमें इन मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का एक बड़ा सा डिसीजन सेंट्रल बैंक ने लिया था। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से अगर अच्छे चेंजेस आते हैं तो 2023 में हर कंट्री के इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लेशन की इंटेंसिटी कम होने के चांसेस है, लेकिन इससे बैंक्स को असेट रिस्क भी हो सकते हैं। तो अब ये बैंक मार्जिन कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, तो इंडिया, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज जो है उनके बैंक मार्जिन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक लार्जर एक्सटेंट तक इम्प्रूव होने के चांसेस है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट्स ने पॉलिसी रेट्स इंक्रीज किए हैं, तो ये रेट्स इंक्रीज करने की वजह से भी बैंक मार्जिन जो है वो कम होने के चांसेस है। लेकिन अब अगर इन्फ्लेशन कम होने की जगह बढ़ता है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो डेट सर्विस कॉस्ट है जो स्पेसिफिकली बोरोवर्स के लिए कंसर्न है तो ये भी इंक्रीज होंगे, ये कॉस्ट भी इंक्रीज होंगे। और इस सिचुएशन में बैंक को अपने लोन लॉस प्रोविजंस जो है, जो पर्टिकुलरली डिफॉल्टेड लोन्स के लिए होते हैं, तो ये लोन लॉस प्रोविजंस भी उनको इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो इस सब का बैंक के क्रेडिट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इन्फ्लेशन चार्ट अगर हम देखें तो रैपिड इन्फ्लेशन ग्रोथ दो कंट्रीज ने देखी है और वो है टर्की और अर्जेंटीना। टर्की में अराउंड 73% और अर्जेंटीना में 61% इन्फ्लेशन हिट किया है। और इस इन्फ्लेशन के बढ़ने के तीन रीजंस है, नंबर वन सप्लाई चेन में डिसरप्शंस, नंबर टू करेंसी प्रेशर और नंबर थ्री कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होना। सो दीज आर द की हाईलाइट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट फॉर मोर सच वीडियोज। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।